क्या आप रेगुलर मसाला डोसा खा के बोर हो चुके हो? तो चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ट्रेडिशनल साउथ इंडियन डोसा और मुंबई स्ट्रीट स्टाइल डोसा का फ्यूजन, वो है जीनी डोसा। हेलो माय लवली फूडीज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ निधि। मुंबई की सड़कों पे बहुत सारे अलग अलग डोसा मिलते हैं। इसमें से रिसेंटली ये जीनी डोसा ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। ये डोसा छोटे बच्चे से लेके बड़े तक का सबका फेवरेट हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो आज आपके साथ जीनी डोसा शेयर किया जाए। तो चलो फ्रेंड्स, इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करें। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरी चैनल के ऊपर नए आए हो तो रेड कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। चीनी डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें डोसा बैटर की ज़रूरत पड़ेगी। बैटर यहाँ पर मैंने पहले से ही तैयार कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टेबल स्पून जितना सॉल्ट को। ये बैटर बनाने के लिए मैंने लिए थे 3 कप चावल, 1 कप उड़द की दाल, 1/2 टेबल स्पून जजितना मेथी दाना और 3 टेबल स्पून जितनी चना दाल। सबको मैंने 2 से 3 पानी में धो लिया। धोने के बाद इसे 2 से 3 घंटे तक भिगो के रखा। इसे ग्राइंड करने के समय मैंने 1/2 कप जितना पोहा लिया और पोहे को मैंने 2 पानी से धो लिया। धोने के बाद दाल चावल के साथ ही मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर लिया है। पोहा डालने से बैटर का फर्मेंटेशन बहुत ही जल्दी हो जाता है। बैटर हमें स्मूथ ही बनाना है, बैटर ज़्यादा पतला नहीं करना है। बैटर तैयार हो जाने के बाद मैंने इसे 5 घंटे तक धूप में रखा था। आप कोई भी गर्म जगह पर रख सकते हो। 5 घंटे के बाद ये बैटर हमारा डोसा बनाने के लिए तैयार है। इसमें से अभी हम जीनी डोसा बनाएंगे। डोसा बनाने के लिए तवे को हमें अच्छे से गर्म करना है और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के साफ करना है। तवे का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ना ही ठंडा। इसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। अभी हम इसके ऊपर बैटर डालेंगे। अभी हमें इसे एक ही डायरेक्शन में इसे घुमा के इसे फैलाना है। गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखना है। ऊपर से ड्राई हो जाने के बाद अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे बटर को। बटर लगाने से डोसा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप चाहो तो ऑयल या घी भी डाल सकते हो। अभी मैं इसके ऊपर डालूंगी 1 टेबल स्पून जितना सिजवान सॉस। सिजवान सॉस की रेसिपी मैंने पहले से आपके साथ शेयर की हुई है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप देख सकते हो। इसके ऊपर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून केबिज, 1 टेबल स्पून शिमला मिर्च, 1 टेबल स्पून टोमेटो, 1/4 TSP चाट मसाला, 1/4 TSP किचन किंग मसाला, 1/4 TSP पाव भाजी मसाला और 1 टेबल स्पून जितना टोमेटो केचप। सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हो। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम डोसे के ऊपर इसे फैला लेंगे। नॉर्मल डोसा जो हम बनाते हैं वो हाई फ्लेम पे हम बनाते हैं, लेकिन ये जीनी डोसा हमें स्लो फ्लेम पे ही बनाना है। अभी हम इसे 30 सेकेंड के लिए कुक करेंगे। अभी हम फिर से इसके ऊपर केबिज को डालेंगे। शिमला मिर्च यहाँ पे हमने ग्रीन वाली यूज़ की है। अगर आपके पास रेड और येलो वाली है तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अभी मैं इसके ऊपर चीज़ को ग्रेट करके डालूंगी। यहाँ पे मैंने प्रोसेस चीज़ लिया है। चीज़ की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी मैं इसके ऊपर फ्रेश कोरिएंडर को डालूंगी। 30 सेकेंड हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा डोसा बनके तैयार हो चुका है। अभी हम इसे कट करेंगे। कट करने के लिए यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया है। कट हम यहाँ तवे के ऊपर नहीं करेंगे, बल्कि इसे एक बोर्ड के ऊपर ले लेंगे। जो हम तवे के ऊपर इसे कट करेंगे तो हमारा नॉनस्टिक का तवा ख़राब हो सकता है, इसीलिए हम तवे के ऊपर इसे कट नहीं करेंगे। स्ट्रीट के ऊपर तो इनका आयरन का तवा होता है, इसीलिए वो आयरन के तवे के ऊपर ही इस तरह से कट लगा लेते हैं। अगर आपका आयरन का तवा है तो आप तवे के ऊपर ही इसे कट लगा सकते हो। इस तरह से हमें इसे रोल करना है।
यहाँ पे हमारा चीनी डोसा बनके तैयार है। इसी तरह से मैंने 3 डोसा बना के तैयार किया है और इसे सर्विंग प्लेट में सर्व किया है। अभी मैं इसके ऊपर ग्रेट किया हुआ चीज़ डालूंगी। मैंने यहाँ पे ये प्रोसेस वाला चीज़ ही लिया है और चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है। इसी तरह से स्ट्रीट के ऊपर भी सर्व किया जाता है। बहुत ही टेस्टी लगता है ये चीनी डोसा। ये चीनी डोसा को मैंने कोकोनट की चटनी के साथ सर्व किया है। सुपर टेस्टी हमारा चीनी डोसा बनके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपने कभी इस चीनी डोसा को ट्राई नहीं किया है तो एक बार तो ट्राई करना बनता ही है। आपने अगर एक बार इसे बना के खा लिया तो इसका टेस्ट आपके मुंह में ही रह जाएगा। इतना सुपर टेस्टी और डिलीशियस ये चीनी डोसा बनके तैयार होता है। ऐसी ही नई नई रेसिपी को देखने के लिए मेरी चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक के बटन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। तो मैं निधि आपको फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी कुकिंग।